रहा है वो वाला देख, वाली बॉल निकालो, वाली बॉल निकालो, इसमें गोल कर। आराम से आराम से, ना लेगा तू अभी यहाँ पे। हाँ गोल गोल गोल, यहाँ पे आउट। अरे किस्मत का धनी है, किस्मत का धनी है। पानी क्या है? पानी गंदा है, चिपचिपा है। चिपचिपा है या गंदा है पहले फिक्स करो, दोनों चिपचिपा है और साथ में गंदा भी है। सोनू मोनू जाके आए हैं इसमें। सोनू मोनू जाके आए इसमें। क्या रे, इधर है तो शूट पे ना ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है? आप स्पेलिंग पढ़ लो, लाइब्रेरी वगैरह शूट करते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ स्पीकर होता है जिसके ऊपर कुछ गाना वगैरह बजता है और फिर सामने वगैरह जो है हमारी शूट वगैरह जो है वो होती है, तो वही है यहाँ पे गाना बजेगा वहाँ पे, फिर लिपसिंग वगैरह हो गई जो भी हो गया वो ऐसे कुछ होता है। ओके, सो ये है हमारे साउंड दादा। कैसे हो दादा? जोर से बोलो, जय माता दी। ये बात ठीक है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके वो जरूर देखना, तब आपको पार्ट टू भी समझेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है? और अभी ऊपर से कितना प्यारा व्यू है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हालांकि ऊपर मैं चढ़ के आया जल्दी से तो इसके लिए थोड़ी सी सांस थोड़ी सी फुल गई, बट ठीक है। अभी आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा व्यू है, ऐसा व्यू है। और अभी हमारे नीचे भी शूट चल रही है, तब आपको मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे भी, देखो ऐसा कुछ चल रहा है शूट फिलहाल, ठीक है? वहाँ पे देख सकते हो आप, तो अभी बहुत सारे सीन्स हमारे बाकी है, तो अभी मेरा चेंज वगैरह था तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो तब तक मैंने बोला ठीक है। और बाकी यहाँ पे कितने सही सही बंगलो है यार, मतलब पूछो मत, बस इतने बंगले खरीदने लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए मेरे को ज़िंदगी में। वो शूट हो चुका है अभी, अमन और मानस का शूट, क्लोजअप शॉट चल रहा है, तो मेरा क्लोजअप शॉट वगैरह जो है वो हो चुका है। हमारा ड्रेसिंग रूम जहाँ पे सारी चेंजेस वगैरह जो है वो हो रही है, ठीक है? से हाय मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। सो शी इज़ आर स्टाइलिश, ठीक है? और यहाँ पे है दादा, और बाकी बाहर शूट चल ही रहा है तो अभी चेंज कर दिया है, वापस हमारा दूसरा सीन लग रहा है तो वो शूट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ए पीछे हट जाओ। कर लिया है चेंज और अभी हमारा आगे का जो शूट है वो शूट होगा, ठीक है? हम तीनों ने चेंज कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट पहनी है, ये शर्ट है। फुल सीक्वेंस अभी बाकी है, फुल सीक्वेंस और रेन और रेन वो बाद में, अभी इवनिंग तो, अभी तो वो रिलेशनशिप आपको कहानी तो अभी बताते, आपको दिखेगा आप तभी देख लेना, है ना? तकरीबन दोपहर के 3 और अभी तक हमारा लंच ब्रेक जो है वो हुआ नहीं, मतलब हम लोग ने सुबह जो 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद अभी बज रहे थे, इसके बीच में हमने सिर्फ नॉर्मल सा चाय पानी, नींबू पानी वगैरह उस पर ही हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट मज़ा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ रहा है। भूख प्यास तो ठीक है अपनी जगह, भूख तो लगी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रही, तो वही ठीक है। अभी से हमारा ये वाला सीन शूट हो जाएगा, फाइनल ये वाला यहाँ का सीन शूट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होगा, तो 3 बजने के बदले 4 बज जाएगा। डेडिकेशन है, डेडिकेशन है। मैं ना थर्ड वर्क पेज, तो वही बात है। तो फिलहाल अभी हमारे बात जैसा है कि अभी हमारा 4 बजे तक लंच हो जाएगा, लंच होने के बाद फिर 5-1 घंटे का साथ ब्रेक रहेगा, तो उसके बाद 5 बजे से वापस हमारा आगे का सीक्वेंस शूट होगा, तो उसमें भी 2 सीक्वेंस और बाकी है, तो पूल पार्टी वाला एक और सीक्वेंस है, उसके पहले भी एक और सीक्वेंस है, वो सारा चीज़ें आपको दिख जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि एक्टिंग करना और मॉडलिंग करना बहुत ईजी है तो इतना तामझाम लगता है, आप जो सिर्फ 3 मिनट में देख के छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है क्या है गाना बना लिया हो गया खत्म कहानी, नहीं उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें लगती है। और जो मेरे जेन्युइन व्यूवर्स जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको समझता ही है एग्जैक्टली कैसा काम करता है, कैसा इंडस्ट्री, और जो लोग फ्रेशर जो लोग मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं तो कुछ इसी तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, देख लो आगे आपको बहुत काम आने वाली है सारी चीज़ें।
फाइनली अभी बज रहे तकरीबन 4:30 और अभी हमारा लंच हुआ है, ठीक है। कैसा लग रहा है? हाँ जन्नत। और हाउस द जोश? ठीक है, तो अभी करते हैं हमारा खाना, जो लंच वगैरह है वो अभी फाइनली करते हैं और बाकी की बात बाद में करते हैं, खाना खाने। और अभी ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं क्या चेंज करना है क्या नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है क्या? जय भद्रकाली, जय भद्रकाली। और सब खैरियत? तशरीफ़ रखिए फिर, बोल रखी हुई है। लास्ट सीन जो है वो शूट होने वाला है और ड्रेस का कुछ अता पता नहीं है। तेरे को नहीं दिखा रहा हूँ, तू कर चेंज कर, यहाँ पे तू आ जा, तू अच्छा लग रहा, तू हीरो लग रहा, तू जा फ्रेम में। आप ये जो भाई है, हाँ जी बड़े, ये इसे दुखी है, इस अभी इस टाइम पे कोई नहीं है दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो बनी इज नॉट हनी दैट टाइम। हाँ ठीक है, हक दिया, काफ़ी अच्छा हकते हो आप और काफ़ी अच्छा बोलते हो। इट्स ओके, आई एम सो प्राउड कि आप मेरे दोस्त हो। तो अब बात कुछ ऐसी है कि हम लोग ना पूरे, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब एक सिचुएशन हो गई है जो सिचुएशन में बता भी नहीं पा रहा आपको, और अलग ही सिचुएशन चल रही है थोड़ी सी यहाँ पे। सो अब देखेंगे उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। यहाँ पे लोग रेडी हो रहे हैं, सो लेट्स सी। काफ़ी अच्छी शूट गई है आज हमारी, और बेसिकली सर का मैं एक पॉजिटिव साइड का बेस्ट फ्रेंड बताया हुआ यार, इकट्ठा नहीं किया भाई सर नहीं पा रहे थे। ओके नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा लगा यार आपके साथ काम करके। और हम तीन दोस्त बताएं, मैं पॉजिटिव वाला हूँ, इधर नेगेटिव वाले, ठीक है। और कौन जीतेगा कौन सा? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दोस्त वो भी है, वो डिमोटिवेट इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं लड़की को कन्विंस करने की हिम्मत कर पाऊँ। तीनों पॉजिटिव है और मैं ज़्यादा पॉजिटिव। तो अब बात कुछ ऐसी है कि सर बहुत से स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे जो काम की तरह या काम ढूंढ रहे हैं या अपना लेवल बेच दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, किसी ना किसी मोड़ पर गिव अप कर देते हैं। तो उन लोगों ने कोई भी छोटा सजेशन या टिप्स या कुछ भी जो उनके लिए हेल्पफुल हो? यार मैं कोई इतना एक्सपीरियंस बनता नहीं हूँ, बट फिर भी ऑब्वियसली सबका अपना स्ट्रगल होता है और हर इंसान काम ढूंढता है। आई थिंक सबका टाइम आता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आपका टाइम आए तो आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट एक लेसन है जो हर आर्टिस्ट को सीखना चाहिए कि जब भी आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी मिले तो आप उसको अपने अपना 100% देके उसको बड़ा बना सकते हो। तो ऐसा मेरे लिए भी वर्क किया है और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कुछ करता हूँ तो उतना ही नर्वस होता हूँ स्टार्ट में जितना मैं था पहले दिन अपने, और आज भी उतना ही नर्वस हूँ। वो एनर्जी हमेशा बनी रहे, बट मतलब ये कि हर काम अपना लेवल बेस्ट है तो आप किसी भी फील्ड में करो वो करना ज़रूरी है। तो वही सीन है, अभी हमारा फाइनल एक जो लास्ट सीन है वो भी हमारा शूट होने वाला है 5 मिनट, और थोड़ी सी बैकग्राउंड वही सारी होगी बट इग्नोर करना है। आई नो यार, एक तो कटन है यार, मेरे को परेशान कर दिया, मैं नहीं कर रहा शूट होने। ठीक है चलो फिर आगे का सीन वगैरह जो है हमारा शूट कर लेते हैं और बाकी बात 1 महीने बाद म्यूजिक वीडियो आएगा वो भी देखना। हाँ पता लगेगा ये क्या है, तब पता लगेगा एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं और क्या पूरा हुआ है। टाइटल इज मोहब्बत मैं भी करता हूँ, बता ही दिया, हालांकि मैं रिवील नहीं कर रहा था पूरे दिन से, बट अब फाइनली रिवील हो चुका है। सो देखना जरूर उस वीडियो को, एंड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। था वो अभी यहाँ पे शूट हो चुका है और काफ़ी अच्छा सीन शूट हुआ है, और अभी धूप चली गई है इसलिए डे लाइट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है लगा दी है ताकि वो धूप का रिफ्लेक्शन दे पानी के अंदर।
हेलो बहुत मज़ेदार शूट हुई है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो जितना हो सके वायरल करो मेरी वीडियो को भी और वो वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।